हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्राइव मशीन्स। आज मैं रिव्यू करूंगा वर्ना फेसलिफ्ट 2020 का। इसमें कौन कौन से मॉडल्स में क्या क्या फीचर्स है, मैं आपको सबकी डिटेल्स देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात करें तो पिछली वर्ना से इसका फ्रंट लुक पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब इसमें मैसिव रेडिएटर, डार्क क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाएगी, और जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। और ये जो डार्क क्रोम ग्रिल है ये इसके सभी मॉडल्स में मिल रही है, चाहे वो बेस हो चाहे वो टॉप हो। इसमें तीन मॉडल्स आते हैं, एस, एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल। और ये जो मॉडल मेरे सामने है ये एस एक्स ऑप्शनल है, जो कि एक टॉप मॉडल है। अब इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो इसकी हेडलाइट्स को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब इसमें ऑल LED हेडलाइट्स आती है विद LED DRL एंड LED फॉग लैंप। ये सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगी। और जो टॉप मॉडल से एक नीचे मॉडल है जो कि SX, उसमें LED DRL विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे। और इसके बेस मॉडल S में सिर्फ और सिर्फ आपको हैलोजन हेडलैम्प्स ही देखने को मिलेंगे विद हैलोजन फॉग लैम्प। और फ्रंट लुक में ही इसके लॉन्ग स्लोपी बोनेट में आपको करेक्टर लाइन्स देखने को मिल जाएंगी, जो इसके ओवरऑल लुक को एक ग्लैमरस और स्पोर्टी लुक देते हैं। तो बॉस, इस कार का तो भाई अलग ही स्वैग है। अब इसके साइड लुक और शेप की बात करें तो इसकी एरोडायनामिकली शेप आपको रोड पे एकदम स्ट्रॉन्ग होल फीलिंग देती है। वो कहते हैं ना कि यार ये कार तो एकदम सड़क से चिपक के चलती है। इसके टायर्स की बात करें तो 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में आते हैं। और ये इसके इलेक्ट्रिकल एडजस्ट एंड ऑटो फोल्डेबल ORVMs। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्रोम बेड लाइन, जो इसके लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। डोर हैंडल्स आपको सभी मॉडल में बॉडी कलर्ड मिलेंगे, सिर्फ टॉप मॉडल में आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे। और ये पीछे इसका शार्प फिट एंटीना, जो इसके सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड है। इसके रियर व्यू की बात करें तो इसमें ऑल LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में आते हैं। और इसके पीछे के डिज़ाइन इसके लुक को एक स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देता है। ये देखिए आप इसका पीछे का लुक। और नीचे आपको रिफ्लेक्टर के बॉर्डर में क्रोम बीडिंग मिल जाएगी, जो सिर्फ टॉप मॉडल्स में आते हैं। ये इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, जो इसके सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड है। और ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 480 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इसका बूट। और इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्पेयर व्हील, ये भी अलॉय व्हील दिया गया है, लेकिन सिर्फ टॉप मॉडल में आपको मिलेगा। और अगर आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं, नियर रुड़की, हरिद्वार या फिर देहरादून, आप किसी भी हुंडई कार के लिए रुड़की डीलरशिप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंशन कर दूँगा। चलिए अब इस कार को अंदर से देखते हैं, ये अंदर से दिखने में कैसी है, मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर की बात करें तो इसमें चार पावर विंडो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी, और डोर पॉकेट्स में आपको 1 लीटर का स्पेस मिलेगा बोतल के लिए। और इसमें राउंड शेप स्टेयरिंग व्हील दिया गया है विद ऑल माउंटेड कंट्रोल्स। ये इसका डिजिटल कंसोल मीटर, ये इसकी 8 इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। और यहाँ पे सॉकेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग के साथ। और ये इसका गियर लीवर, ये इसके AC वेंट्स, और इसका कूल ग्लव बॉक्स, जो स्टैंडर्ड मिलेगा आपको सभी मॉडल्स में। ये इसका रियर व्यू मिरर, और ये सन ग्लास होल्डर, ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा इसके सभी वेरिएंट्स में। और ये इसकी 1 टच सनरूफ, मैं आपको दिखाता हूँ इसको, देखो कितने अच्छे से काम कर रही है ये। और ये आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, और ये आर्मरेस्ट में ही कुछ स्पेस, और हम इसे आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो चलिए अब कार के पीछे बैठ के देखते हैं इसमें पीछे कितना स्पेस दिया गया है। मैंने इसकी ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, मेरी हाइट है 5.9 इंच। तो चलिए इसमें अंदर बैठ के देखते हैं इसमें कितना स्पेस है। हेड स्पेस इज डिसेंट, और नी स्पेस भी काफ़ी मिल रहा है, आप देखिए कितनी खुली है। और अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड। पहले वाले वर्ना से कार ज़्यादा स्पेशियस लग रही है। ये इसका रियर एसी वेंट विद चार्जिंग सॉकेट। चलिए मैं पीछे से आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ।
ये देखिए इसका ड्यूअल टोन डैशबोर्ड कितना एलिगेंट लग रहा है देखने में पीछे से, और इसमें ब्लू लिंक जैसी टेक्नोलॉजी दी गई है जो आपके मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी फॉर सम मल्टी फंक्शंस, जिससे आप मोबाइल से ही कवर कर सकते हैं। सेफ्टी की बात करो तो इसमें ABS विद EBD आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, और टू फ्रंट एयर बैग्स भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। इसके अपर वेरियंट्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही मिलेंगे, और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर MPI पेट्रोल जो मैक्सिमम 115 PS की पावर जनरेट करता है, और जिसका मैक्सिमम टॉर्क 145 Nm है, जिसका माइलेज कंपनी 17.5 KMPL का क्लेम करती है। और सेकंड इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर CRDI डीजल जो सेम 115 PS की पावर जनरेट करता है, और जिसका मैक्सिमम टॉर्क 250 Nm है, और कंपनी इसका माइलेज 22 KMPL क्लेम करती है। और तीसरा इंजन ऑप्शन है 1 लीटर कापा GDI टर्बो पेट्रोल जिसकी मैक्सिमम पावर 120 PS है, जिसका मैक्सिमम टॉर्क 177 Nm है, और कंपनी इसका माइलेज 18 KMPL क्लेम करती है। और 1.5 लीटर में ही आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक और डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स मिलेंगे जिसकी स्पेसिफिकेशन पहले वालों से सेम है। और रही बात ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के माइलेज की, तो वो भी लगभग सेम ही है 18.2 KMPL का। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो इसके बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि हेडलाइट्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके बेस मॉडल में कौन सी मिलेगी, बीच वाले मॉडल में कौन सी मिलेगी, टॉप मॉडल में कौन सी मिलेगी। उसके अलावा इसमें सनरूफ नहीं मिलेगा, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, ट्विटर्स, पुश स्टार्ट बटन, फ्रंट सेंसर्स, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, ऑटो फोल्डेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर लीवर, अलॉय व्हील्स, ये सब आपको इसके बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। बाकी इसके बेस मॉडल में वो सब मिलेगा जो जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसके बेस मॉडल की प्राइस एक्स शोरूम डेली के हिसाब से 9.3 लाख है, और इसके टॉप मॉडल एक्स शोरूम की प्राइस 15 लाख तक जाती है। और अब मैं इसके 1 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको डार्क क्रोम नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ग्लोसी ब्लैक ग्रिल मिलेगी इसके फ्रंट में, और उसका इंटीरियर ऑल ब्लैक मिलेगा आपको, और शार्क फिन एंटीना भी आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। तो ये था सब कुछ वरना फेसलिफ्ट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।